साल 2020 और 21 में कोरोना का कहर सभी ने देखा है। हालांकि अब पहले के मुकाबले हालात काफी सामान्य हैं, लेकिन संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के भी अब चर्चाएं हो रही हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के लोगों के अंदर दहशत है। कोरोना काल में दवाओं की और ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग की भी शिकायतें सामने आई। अब दवा व्यापारियों ने इसके लिए जरूरी कदम उठाने शुरू किए हैं ताकि आम लोगों को इसके चलते किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे संवाददाता ने केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों के साथ खास बातचीत की है, सुनिए। 2020 में शुरू हुआ कोरोना का अंत संभवतः 2021 में माना जाता हो गया है। हालांकि अभी भी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी दहशत का विषय बना हुआ। हमारे साथ लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ तैयारी है। सर, किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक बार फिर से तीसरी लहर आ सकती है, ओमिक्रॉन का भी खतरा बना हुआ है। सर देखिए, जहाँ तक आपने पूछा तैयारी क्या है, तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट दी गई है। हम लोग को उसी लिस्ट के हिसाब से दवाइयाँ अरेंज करके रखनी है और उसी दवाइयों को हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पर रहें। मगर अभी आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी दवा इसमें लगेगी। ये किसी को पता नहीं है कि ओमिक्रॉन जो आया है इसके क्या लक्षण हैं, अभी तक तो यही नहीं पता है। बस ये है कि जो स्प्रेड बहुत तेज़ करता है, मगर ऐसी कोई डेथ का भी नहीं पता चला है जिसमें पता चले कि किसी की डेथ हुई है तो किस बीमारी के कारण हुई है। हम लोग जो जो देखिए, हम लोगों ने, क्योंकि ये नई चीज़ थी, हम लोगों को भी पता नहीं, तो जो महामारी आई, जो समस्या आई, उससे हम लोगों ने भी सीखा। और अभी की तरफ से, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हम लोग दवा, हम लोग गारंटी ले रहे हैं कि लखनऊ वालों को दवा की कोई भी किसी भी टाइप की किल्लत नहीं होगी। बाकी ऑक्सीजन भी अब आपने देखा होगा सरकार की तरफ से, अभी दो चार दिन पहले जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया कि अब हर हॉस्पिटल में चालू हो गया, तो हमारे ख्याल से वो ऑक्सीजन भी कमी नहीं होगी। बाकी जो भी सर्जिकल आइटम और दवाइयाँ हैं वो तो हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर हम लोग लखनऊ वालों को कमी नहीं होगी। पिछला जब दौर कोरोना का चला तो उसमें हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए बहुत जोर डाला, और हमारे करीब करीब 1000 व्यापारी हैं, लेकिन हमने बारी बारी से 10-10, 15-15 के ग्रुप में ही सिर्फ दुकानें खोली। उसके लिए सुबह 6 बजे राउंड द क्लॉक सर्विस देने की कोशिश की, जिससे मार्केट में किल्लत ना होनी पाए। कुछ उससे हम लोगों को अनुभव मिले हैं। भगवान न करे ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो हम सभी उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरा क्या है कि केमिस्ट एसोसिएशन जो है, वो जो हमारे मेंबर्स हैं वो जनता के लिए काम कर रहे हैं और दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए हैं, और उसी प्रकार से लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन अपने केमिस्ट भाइयों की सेवा में लगी है। हमने पिछली बार भी एक हेल्पलाइन ग्रुप बनाया था, जिसमें हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन सभी की उपलब्धता अपने भाइयों के लिए जो है, विशेष रूप से जो जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे थे, उनके लिए हमने काम भी किया था। तो इस बार वो भी हम उस फ्रंट पर भी करेंगे, जिससे कि ये व्यापारी वर्ग जो है वो जोश के साथ काम कर सके, कि उसको अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य की चिंता ना रहे, उसकी टेक केयर हम कर रहे हैं और वो समाज के लिए काम करने के लिए प्रयासरत है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पहले तो मैं बता दूँ, किसी भी केमिस्ट भाई ने कोई भी सामान ब्लैक नहीं किया था। ये ब्लैक करने वाले बाहरी लोग थे, कोई भी केमिस्ट नहीं था। हमारी लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन से जितने भी रिलेटेड केमिस्ट थे, सब ने बहुत मेहनत से काम किया। कितने भाई हमें छोड़ के चले गए जो हमारे बीच नहीं रहे, और हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। हम लोगों ने 30 कंसंट्रेटर की व्यवस्था करी, जो अपने पेशेंटों को दी, अपने लोगों को दी। और ब्लैक मार्केटिंग लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के किसी भी व्यक्ति ने, हमारे करीब 5000 मेंबर हैं, किसी भी व्यक्ति ने ना कभी नाम आया ना किसी ने किया। ये बहुत गलत लोग थे जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया और हम लोगों के समाज को बदनाम करने का कार्य किया। कि वहीं अगर दवाओं की कमी ना होने पाए, इसको लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़।